वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि गवर्नमेंट ने अपने आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी यानी कि जेरॉक्स कॉपी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करने के लिए मना किया है। उसका एक एग्जाम्पल दूंगा उदाहरण के रूप में। जैसे आपके क्या बोलते हैं मोबाइल पर कोई मैसेज आता है कि KYC अपडेट करो। सो KYC अपडेट करना है तो आप क्या करेंगे, पैन कार्ड लेंगे, आपका आधार कार्ड लेंगे, उसकी फोटोकॉपी जोड़ के किसी वो XYZ ऑर्गेनाइजेशन में जाके सबमिट कर देंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे कि आपका KYC अपडेट हो चुका है। पर गवर्नमेंट बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, फोटोकॉपी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट मत कीजिए क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा है, या तो फिर अगर आप अनलकी हो तो इसका मिसयूज़ हो सकता है। सो बी वेयर बिफोर शेयरिंग योर आधार फोटोकॉपी विथ एनीबडी। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। 27 मई के दिन एक प्रेस रिलीज आया था। वो प्रेस रिलीज का टाइटल देखो, मैंने नोटिफिकेशन तो शेयर नहीं कराया है आपसे स्क्रीन पे, जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसमें 27 मई के प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ने बोला था कि क्या बोला था, गवर्नमेंट रिट्रैक्ट्स डू नॉट शेयर आधार एडवाइजरी। आपका आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन यानी कि फोटो कॉपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अब उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने सामने दिया है, स्क्रीनशॉट इस प्रकार है, ये देखो ये वाला स्क्रीनशॉट। ओके, मीनिंग UIDAI एडवाइजरी ऑन आधार कार्ड डू नॉट शेयर फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स ऑफ योर आधार कार्ड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन एज इट कैन बी मिसयूज। अल्टरनेटिवली प्लीज यूज अ मास्ट आधार कार्ड। अब मास्ट आधार कार्ड क्या है वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, विच डिस्प्लेस ओनली लास्ट 4 डिजिट। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, आपका जो रेगुलर आधार कार्ड है उसमें 12 डिजिट डिस्प्ले होते हैं और जो मास्ट आधार कार्ड रहता है उसमें आखिरी के बस 4 डिजिट दिखेंगे। यहाँ पे मैंने फोटो शेयर करा है योर आधार नंबर द स्टेटमेंट सेट। सो आई गेस 27 मई को ये जो नोटिफिकेशन आया था इसके वजह से बहुत खेवास हुआ था कि देखो मैंने तो बैंक में जाके अपना KYC अपडेट करा था और नॉर्मल के तरह ही मैंने अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी दिया, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे बट और अलग अलग जगह पे। सो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो 27 मई का जो प्रेस रिलीज दिया था जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ था उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन फाइल करा गवर्नमेंट ने। कब फाइल करा है, संडे में 29th को एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने फाइल करा है, क्लैरिफिकेशन फाइल इमीडिएटली आफ्टर प्रेस रिलीज। उसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करा कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन के तुम शेयर कर सकते हैं। फोटो कॉपी तो आप शेयर नहीं करना, फोटो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स हो या जो आपको लोन वगैरह के काम के लिए तो आधार कार्ड तो लगता ही है, हाँ, बट कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट तो पहले बोलता है कि डू नॉट शेयर फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो बैंक्स हो, पर बैंक्स वाले माने के नहीं, पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर नहीं करना है। मीन्स ओनली लिस्टेड। अब गवर्नमेंट किसके साथ शेयर कर सकते हैं आप, ओनली लिस्टेड। अब जो लोन आप जिससे लेते हो वो नेशनलाइज्ड बैंक है, वो लिस्टेड है कायम आधार, जिनके पास वैलिड लाइसेंस होता है, वैलिड यूजर लाइसेंस होता है फ्रॉम UIDAI, हाँ, वही लोग आपका आधार यूज कर सकते हैं और उनके पास आपके मोबाइल पर 2-step verification pin आता है। सो मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, डू नॉट शेयर योर आधार विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, अब इट मीन्स ओनली लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन फोटो कॉपी कैन बी शेयर। हु आर लिस्टेड एंटिटीज, हाँ, लिस्टेड एंटिटीज कौन कौन है, ऑर्गेनाइजेशन विद अ वैलिड यूजर लाइसेंस, यूजर लाइसेंस UIDAI के साथ रहता है जिनका, फ्रॉम UIDAI कैन यूज आधार फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द अ पर्सन। अब ये खास करके ये ध्यान रखना, अपना ये नेशनलाइज बैंक जो है गवर्नमेंट और बॉडी देते हैं, नेशनलाइज बैंक में कुछ कुछ प्राइवेट भी है, हाँ, बट प्राइवेट एंटिटी वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो लोन वगैरह देते हैं वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा प्राइवेट एंटिटी। इफ अ प्राइवेट एंटिटी डिमांड्स टू सी योर आधार कार्ड और सी का फोटो कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड, प्लीज वेरीफाई दैट दे हैव अ वैलिड यूजर लाइसेंस फ्रॉम UIDAI, उनके पास वैलिड लाइसेंस हो, या आप चेक कीजिए, आप इस चेक कर सकते हैं आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, हाँ, और उस पर उसके डिटेल्स दिए हैं, मैं भी लिंक डाल देता हूँ, आप जा सकते हैं। उसमें क्लियरली नेम मेंशन नहीं करा है बट आप उनके जो रिक्वायरमेंट है वो जान सकते हो कि बाबा इतनी बड़ी एंटिटी है इसके पास ये सारा सेटअप तो होगा ही। अब रिक्वेस्टिंग एंटिटी के बारे में दिया है, रिक्वेस्टिंग एंटिटी डिटेल्स आर दोज एंटिटी एज पर द आधार एक्ट 2006 आधार एक्ट में दिया है, वो लिस्टिंग एंटिटी रहते हैं। रिक्वेस्टिंग एंटिटी मीन्स एन एजेंसी और पर्सन दैट सबमिट आधार नंबर एंड डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू द सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी फॉर ऑथेंटिकेशन। इन शॉर्ट देर इज 2-step verification, 2-step verification। जैसे आप लोन लेते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ अप्लाई करते हो आप या लोन लेते हो तो आपके इसमें 2 बार ऐसी OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आधार जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP आएगा तो वो उसमें कहते हैं 2-step verification। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एडवाइसेस टू यूज मास्क आधार कार्ड। अब मास्क आधार कार्ड ये रहता है, देखो मैंने पहले ही क्लियर बताया था, नॉर्मल आधार कार्ड पे 12 डिजिट नंबर पूरा विजिबल रहेगा पर मास्क आधार कार्ड पे आखिरी के 4 डिजिट ही विजिबल रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, अब गवर्नमेंट ने फर्दर क्या एडवाइस करा है, इट हैज ऑल्सो एडवाइज्ड अवॉइड द यूजिंग ऑफ पब्लिक कंप्यूटर्स। जैसे इंटरनेट कैफे रहते हैं उधर जाके तुमने तुम्हारा आधार कार्ड डाउनलोड करा तो आप सिस्टम मतलब उसको आप आपके पेन ड्राइव में या किसी भी चीज़ में अगर लेने के बाद उसे शिफ्ट डिलीट कीजिए, सिर्फ डिलीट मत करना, डिलीट करके वो रिसाइकल बिन में जाता है, शिफ्ट डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट कंप्यूटर के बाहर ही चला जाएगा। यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट कैफे, अभी तो सबके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल पे एम आधार कार्ड आधार कुछ ऐप हो, एम आधार ना मतलब ना एम आधार का ऐप है वो डाउनलोड कर लेना,
आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर आधार कार्ड। मैंने आगे स्टेप्स भी दिए, इंटरनेट कैफे और कियोस्क के टू डाउनलोड ई आधार। इफ यू डू नॉट डू सॉरी इफ यू डू सो प्लीज इंश्योर दैट यू डिलीट ऑल योर डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ ई आधार परमानेंटली फ्रॉम दैट कंप्यूटर द रिलीज हैज सेट। रिलीज ने ये बोला है, द यूआईडी हैज स्टेटेड दैट अनलाइसेंस्ड प्राइवेट एंटिटी लाइक होटल्स एंड फिल्म हॉल्स आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट और कीप अदर कॉपीज ऑफ आधार कार्ड। मतलब प्राइवेट एंटिटी अगर आप होटल में जाते हैं, अगर होटल वाला बोलता है कि तुम्हारा आधार कार्ड की फोटो कॉपी रखना पड़ेगा, नहीं आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं रख सकते हैं वो। इट इज एन ऑफेंस अंडर द आधार एक्ट, आधार एक्ट के तहत वो ऑफेंस है। फिल्म हॉल्स वाले भी आधार कार्ड की कॉपी रख नहीं सकते, होटल वाले भी आधार कार्ड की कॉपी नहीं रख सकते। ओके नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब ये स्टेप्स टू डाउनलोड मास्क आधार कार्ड इन योर मोबाइल। यू हो गया योर है वो। पहला स्टेप क्या है, डाउनलोड तो करना पड़ेगा आपके मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड मोबाइल फोन। आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन और अंबानी भैया के मेहरबानी सबके इंटरनेट कनेक्शन भी है। गो इन ऑल सर्विसेज डाउनलोड आधार कार्ड स्टेप ऑप्शन सिलेक्ट ऑप्शन मास्क आधार कार्ड। अब ये तीन ऑप्शन आएंगे उसके बाद में, या तुम्हारे पास आधार नंबर है, वर्चुअल आईडी या एंड्रॉइडमेंट आईडी है। अगर मेरे पास सपोज आधार नंबर है हमारे पास, तो आधार नंबर की डिटेल फाइंड आउट करने का रिक्वेस्ट ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएंगे, अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो सबके साथ शेयर कीजिए, बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।